आप सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। और आज की शाम हमारे इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और खास रीति से हमारे लाइफ स्प्रिंग असेंबली परिवार के लोगों का जो निरंतर हमारे इस बाइबल अध्ययन के समय में हमसे जुड़े हुए हैं। और आज की शाम और भी जो दूसरे लोग ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़े हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज की शाम पहला कुरिन्थियों की जो पत्री थी जिसको पौलुस ने लिखा है, उस पर हम अपने अध्ययन को पिछले कुछ हफ्तों में रखे हुए थे, लेकिन अब कुछ विराम के कारण हम बीच में एक छोटा सा विराम लेंगे और हम देखेंगे कि यहूदा की पत्री से हम क्या शिक्षा अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा और घबराइएगा मत, क्योंकि जो पहला कुरिन्थी और हमारा अध्ययन उस पर जारी है, इस छोटे से विराम के बाद, यहूदा की पत्री के अध्ययन के बाद, हम दोबारा उस पहले कुरिन्थियों की 14वें अध्याय पे, जहां पर अपने अध्ययन को हमने रोका था, दोबारा हमारे वरिष्ठ पासवान शुरू करेंगे। लेकिन आज की शाम जैसे कि वो यात्रा कर रहे हैं, इस वजह से एक छोटे से विराम को लेकर मैं आपके सम्मुख यहूदा की पत्री के ऊपर एक छोटे से बाइबल अध्ययन को रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम यहूदा की पत्री को खोलें। और हम सब जानते हैं कि यहूदा की पत्री पूरे बाइबल में सबसे छोटी पत्रियों में से एक है। और मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इस पत्री के अध्ययन में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस पत्री को यहूदा ने कैसे लिखा है और कैसे इस पत्री का हम विभाजन कर सकते हैं, उस विभाजन को मैं आपको बता देता हूं, ताकि हम बाइबल अध्ययन में जब आगे बढ़े तो हम एक सही रीति से और विस्तार स्वरूप इस बात को समझने पाए। वचन, एक एक वचन कर हम अपने बाइबल अध्ययन को करेंगे, और ये विभाजन हमारी सहायता करेगा ताकि हम इस बाइबल अध्ययन को सही रीति से समझें, लिखें और अपने जीवन में लागू करने पाए। तो मेरे प्रियो, अगर अब यहूदा की पत्री और उसमें एक ही अध्याय, जैसे मैंने बताया, सबसे छोटी पत्रियों में से एक है, उसमें जो पहला एक ही अध्याय है, जो पहला अध्याय ही है, उसमें एक वचन से लेकर दूसरे वचन तक हम यहूदा के अभिवादन को देखते हैं, ग्रीटिंग्स को देखते हैं, कि कैसे वो मसीहों को, या कैसे जिसके लिए उसने इस पत्री को लिखा है, उन लोगों को वो अभिवादन करता है, उनको ग्रीट करता है, उनको नमस्कार कहता है। मेरे प्रियो, उसके बाद अगर हम जाते हैं तीसरे वचन से लेकर के चौथे वचन तक, तब हम देखते हैं कि किस परिस्थिति में उसने इस पत्री को लिखा है, इस पत्री को लिखने के पीछे परिस्थितियां कैसी थी, जिसके लिए हम देखते हैं कि तीसरे वचन में हम देखते हैं कि विषय कैसे अचानक से बदल जाता है, और विषय क्यों बदलता है, इस बात को हम चौथे वचन में देखते हैं। उसके बाद पांचवें वचन से लेकर के छठे वचन तक हम देखते हैं कि यहूदा झूठे शिक्षकों के विषय में चेतावनी देता है। मेरे प्रियो, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं आठवें वचन से लेकर के 16वें वचन तक अगर हम देखेंगे, तो हम देखते हैं कि वो यहूदा के समय जो प्रेरित मौजूद थे, जो विश्वासी या परमेश्वर के दास मौजूद थे, उनके विषय में वो वर्णन करता है कि वे लोग कैसे थे, वो प्रेरित कैसे थे, या उनका स्वभाव कैसा था। और अंत में हम देखते हैं 17वें वचन से लेकर 23वें वचन तक कि यहूदा एक छोटा सा उपदेश विश्वासियों को देता है, और उसके बाद 24 से 25 वचन में वो इस अध्याय को समाप्त करता है अपने अंतिम नमस्कार विश्वासियों को कहते हुए। तो मेरे प्रियो, मैंने आज की शाम आपको इस पत्री का एक विभाजन दे दिया है, ताकि जब हम इस पर अध्ययन करें तब हम बड़ी आसानी से, अगर आप लिख रहे हैं, मैं आप सबको प्रेरित करूंगा कि आप नोट्स लीजिए, आप लिखिए, क्योंकि लिखने से हम इन बातों को बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और अपने जीवन में लागू करने में हमें आसानी होगी। तो आइए मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से इस विभाजन को जल्दी से दोहरा दूं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। वचन 1 से लेकर 2 तक हम
यहूदा के अभिवादन को, नमस्कार को विश्वासियों के लिए देखते हैं। उसके बाद एक तीसरे वचन से लेकर चौथे वचन तक हम देखते हैं कि इस पत्री को लिखने के पीछे परिस्थिति क्या है। उसके बाद पांचवें वचन से लेकर छठे वचन तक हम देखते हैं कि कैसे यहूदा झूठे शिक्षकों के विषय में एक चेतावनी को देता है। और उसके बाद हम आठवें वचन से सोलहवें वचन में देखते हैं कि यहूदा अपने समय या अपने दिनों में मौजूद जो ये दास थे या ये जो लोग मौजूद थे, परमेश्वर के जो दास मौजूद थे, उनके विषय में बताता है कि ये झूठे शिक्षक कैसे थे, ये झूठे लोग कैसे थे जो प्रभु के नाम में तो आ रहे थे, जो अपने आप को दास तो कहते थे, प्रेरित तो कहते थे, लेकिन इनका चरित्र कैसा था। उस चरित्र का वर्णन वो आठवें वचन से लेकर सोलहवें वचन तक बताता है। उसके बाद अंत में सत्रहवें वचन से लेकर तेईसवें वचन तक यहूदा बात करता है, विश्वासियों को एक छोटा सा उपदेश देता है और अंत में वो इस पत्री को 24 और 25 वचन में अपना अंतिम नमस्कार कहकर समाप्त करता है। मेरे प्रिय, तो आइए हम बढ़ेंगे और यहूदा की पत्री उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। मेरे प्रिय, यहूदा की पत्री पहले वचन में इस प्रकार लिखा है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। तो मेरे प्रियो, अगर अंग्रेजी में, क्योंकि कई लोग हमें अंग्रेजी में भी फॉलो कर रहे हैं, हम इस बाइबल अध्ययन को देख रहे हैं, अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, जूड अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ब्रदर ऑफ जेम्स टू दोज हु आर कॉल्ड सेंटिफाइड बाय गॉड द फादर एंड प्रिजर्व्ड इन जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, ये जो नाम यहूदा है, इंग्लिश की अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो जूड लिखा है, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद और अच्छा और सही है, जिसका जो अनुवाद है यहूदा। लेकिन अगर आपको याद हो, यीशु मसीह का भी एक चेला था यहूदा इस्करियोत, और इसलिए जो अंग्रेजी के अनुवादक थे या जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, उन्होंने उस नाम से, ताकि लोग गलत ना समझे यहूदा को या जूडस को, वो जूडस इस्करियोत ना समझ ले या यहूदिया यहूदा इस्करियोत ना समझे, उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद जूड किया है, लेकिन हिंदी में यहूदा है। मेरे प्रियो, अगर आप नए नियम को देखते हैं तो कम से कम 6 ऐसे लोग हैं जिनका नाम यहूदा या जूडस हम नए नियम में पाते हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 55 वचन को पढ़ेंगे, तब आपको वहां पर एक ऐसा संदर्भ वचन का मिल जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 3रा वचन, मार्क चैप्टर 3 एंड मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 55, अगर आप इन दोनों वचनों के भाग को पढ़ेंगे तब आपको ये नाम वहां पर मिल जाएगा। मेरे प्रिय, और अगर इन दोनों वचन के भाग को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जूड या यहूदा यीशु का आधा भाई है। द जूड इज द हाफ ब्रदर ऑफ जीसस। और जो यहूदा है, और वो भी यीशु मसीह के दूसरे भाइयों के समान, जूड लाइक द अदर हाफ ब्रदर्स ऑफ जीसस, ही डिडंट बिलीव इन जीसस एज द मसीहा। जो यहूदा था वो भी अपने यीशु मसीह के दूसरे भाइयों के समान यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानता था। कब तक? जब तक उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 5वें वचन को पढ़ेंगे और प्रेरितों का कार्य उसका 1 अध्याय और 14वें वचन को पढ़ेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं हम इस बात, इस ओर आपके ध्यान को मैं खींचना चाहता हूं कि कैसे यहूदा अपना इंट्रोडक्शन देता है या अपने विषय में बताता है। वो कहता है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, और इन अंग्रेजी में लिखा है, अ बॉन्ड सर्विस सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाउ हमें इस बात पर ध्यान देना है कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई है। एक खून में वो प्रभु यीशु, अगर इसका खून का रिश्ता देखा जाए तो वो यीशु मसीह का भाई है, आधा भाई है। लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने की बजाय कि मैं यहूदा जो यीशु मसीह का आधा भाई या यीशु मसीह का खून का भाई हूं, इस बजाय अपने आप को बताने की बजाय वो कैसे अपने आप को पत्री में इंट्रोड्यूस करता है, कैसे अपने विषय में बताता है। वो कहता है, यहूदा जो यीशु मसीह का दास है। मेरे प्रियो, इस ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। कई बार हम अगर किसी प्रभावी व्यक्ति को जानते हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है
या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका ब्लड रिलेशन में है, खून का रिश्ता आपके साथ रखता है और बड़ी अच्छी उपाधि में है, बड़े अच्छी पोस्ट पर है, बड़ी अच्छी पोजीशन पर है, तो आप क्या कहेंगे? कभी उसका इंट्रोडक्शन देना होगा तो आप कैसे देंगे? आप बड़े गर्व के साथ बताएंगे कि वो व्यक्ति मेरा ब्लड रिलेशन में मेरा भाई है, या मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है, मेरा पिता है। लेकिन यहां पर यहूदा क्या कर रहा है? यहूदा अपने खून के रिश्ते को यहां पर नहीं दिखाता, लेकिन वो क्या बता रहा है? वो एक और नए रिश्ते को दिखा रहा है। वो कहता है, मैं यहूदा जो यीशु मसीह का दास है। और सिर्फ दास नहीं, जिस शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है उस शब्द का मतलब है बॉन्ड सर्वेंट, यानी बंधुआ मजदूर। सिर्फ दास नहीं, लेकिन बंधुआ दास, एक ऐसा दास जो बंधा हुआ है, जो बिका हुआ है, जो किसी और बात के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन सिर्फ स्वामी का है। मेरे प्रियो, तो यहां पर यहूदा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का एक बंधुआ दास के रूप में दर्शाता है, ना कि एक भाई के रूप में। जूड वॉज अ ब्लड रिलेटिव ऑफ जीसस। यहूदा प्रभु यीशु मसीह का खून का रिश्ता रखने वाला एक भाई था, लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया, अपने आप को ऐसे पत्री में नहीं बताया। इसकी बजाय उसने बड़ी दीनता के संग अपनी पत्री की शुरुआत करी और दिखाया कि हमारे मानवीय रिश्ते मायने नहीं रखते, लेकिन अब एक नया, एक आत्मिक रिश्ता उसका प्रभु यीशु मसीह के संग रखता है जो मायने रखता है। और वो नया रिश्ता है, प्रभु यीशु मसीह उसका स्वामी, उसका प्रभु है, और वो उसका दास है। होने दे हमारे जीवनों में भी हम इस सच्चाई को समझें, इस सच्चाई को जानें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है और हम सब उसके दास हैं। हम सब सिर्फ दास नहीं, जिस प्रकार यहूदा लिखता है बॉन्ड सर्वेंट्स, बंधुए दास हैं। हम सब बंधे हुए, उसने हमें खरीदा हुआ है, और सिर्फ अब हमारे जीवनों पर उसी का मालिकाना हक है, किसी और का हक नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा अपने मानवीय रिश्तों को नीचे रखते हुए अपने नए रिश्ते के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ, जैसे वो कहता है यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, इस बात को दिखाता है कि अब उसका मानवीय रिश्ता मायने नहीं रखता, लेकिन एक नया रिश्ता, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह का दास है और प्रभु यीशु मसीह उसका मसीहा है, उस नए रिश्ते को वो ज्यादा मायने देता है। और इस बात को दिखाता है कि कैसे यहूदा के लिए उसका खून का रिश्ता मायने नहीं रखता, लेकिन एक नया रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह के संग उसका बन गया है, वो ज्यादा मायने रखता है। वो इस बात को दिखाता है कि कैसे यहूदा का वो रिश्ता जो क्रूस पर यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, वो नया रिश्ता उस क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा बन गया है, वो रिश्ता उसके लिए अब ज्यादा मायने रखता है, इसकी बजाय कि वो यीशु मसीह का भाई है। मेरे प्रिय, उसके बाद वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास कहने के बाद वो एक और बात को कहता है, और वो कहता है याकूब का भाई, वो कहता है एंड ब्रदर ऑफ जेम्स। अब याद रखें, याकूब यरूशलेम की कलीसिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगुआ था, और उसके नए नियम में जेम्स यानी याकूब के नाम से एक पत्री भी मौजूद है, और दोनों ही याकूब और यहूदा दोनों ही यीशु मसीह के आधे भाई थे। और इसलिए क्योंकि याकूब यरूशलेम की कलीसिया में एक अगुआ था, वह उसके नाम को भी यहां लिखता है और कहता है यहूदा की ओर से जो पहले यीशु मसीह का दास है और याकूब का भाई है, और याकूब का भाई है। यहां पर वो यीशु मसीह को भाई नहीं लेकिन मसीहा कहकर पुकारता है, अपने नए रिश्ते को दिखाता है, लेकिन याकूब को अपना भाई कहकर कर दिखाता है, दर्शाता है। मेरे प्रिय, उसके बाद वो आगे कहता है पहले वचन में, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। पहले ही वचन में वो, दूसरे भाग में वो कहता है अंग्रेजी में, टू दोज हु आर कॉल्ड बिलवड इन गॉड द फादर एंड केप्ट फॉर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदा ने अपनी इस पत्री को मसीहों के लिए लिखा था। ये कोई, अगर आप इस पत्री को पढ़ेंगे तो ये कोई सुसमाचार का पत्री नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे ये पत्री उन बातों के विषय में बात करती है जिन बातों को एक विश्वासी को सीखना, सुनना और अपने जीवनों में अभ्यास करना जरूरी है। और लेकिन ये ऐसी बातें भी इस पत्री में है जो विश्वासी को सुनना तो जरूरी है,
जानना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है, लेकिन कई बार विश्वासी उन बातों को करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं आप देखिए कैसे तीन अलग तरीकों से यहूदा विश्वासियों को यहां पर पहचानता है। पहला वचन उसके दूसरे भाग में वो कहता है, पहली चीज, उन बुलाए हुओं के नाम, दे हु आर कॉल्ड। यानी इसका मतलब क्या है, हम जो मसीह यीशु को अपना प्रभु मानते हैं और खुद को मसीह कहते हैं, उसका दास कहते हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, और इसका मतलब क्या है कि ये बुलाहट सबके लिए है, लेकिन महत्व क्या रखता है कि कौन इस बुलाहट के प्रति उत्तर देता है। ये उस समान है कि मान लीजिए आपका टेलीफोन, आपका मोबाइल फोन पे कोई कॉल करता है, अगर आप उस कॉल का उत्तर देंगे तो आपने उस कॉल को आप रिसीव करेंगे, सुनेंगे, लेकिन अगर आप उसे मिस कर देंगे, अगर उसको नहीं ग्रहण करेंगे, तो आप उस बुलाहट को, उस व्यक्ति को नहीं सुन पाएंगे। तो यहां पर वो कहता है, वे उन बुलाए हुओं के नाम, यानी उन मसीहों के नाम जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। मेरे प्रियो, आज की शाम हमें समझना है, हम सब बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर की बुलाहट को आपने अपने जीवन में सुना और उस बुलाहट के प्रति आपने उत्तर दिया, और उत्तर के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और अपना प्रभु परमेश्वर जानकर अपने पापों का पश्चाताप किया और उसके द्वारा एक नए जीवन को पाया। वो कहता है उन बुलाए हुओं के नाम, उसके बाद वो कहता है उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय हैं, और अंग्रेजी में लिखा है Beloved in God the Father। मेरे प्रियो, लिखा है They were sanctified by God the Father। इसका मतलब क्या है कि वे जो परमेश्वर पिता में प्रिय हैं, परमेश्वर पिता ने उन्हें अलग कर दिया है। हम जो बुलाए गए हैं, पहली चीज, हम सब विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम बुलाए गए हैं। हमारी बुलाहट है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और बुलाने के बाद हमें अलग कर दिया है। ही हैज सेट अस अपार्ट, किस लिए, एक खास उद्देश्य के साथ, कि हम परमेश्वर को इस संसार में दिखाने पाए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहूदा कहता है यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। उसके पहले ही वचन में वो कहता है एंड केप्ट फॉर जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब है वे जिन्हें परमेश्वर बुलाता है, उन्हें अलग करता है अपने कामों के लिए, उन्हें प्रिय मानता है, उनसे प्रेम रखता है, और उसके बाद उन्हें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। ना परमेश्वर से बुलाता नहीं है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर बुलाने के बाद आपको प्रिय जानता है, आपसे प्रेम रखता है, आपको अलग करता है एक उद्देश्य के लिए, और उसके बाद परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, आपको सुरक्षित रखता है। मेरे प्रियो, तो पहले वचन में हम देखते हैं किस प्रकार यहूदा अपने आप को यीशु मसीह के दास के रूप में दिखाता है, ना कि एक भाई के रूप में। उसके बाद उसी एक वचन में हम देखते हैं कि वो विश्वासियों को तीन रूप में पहचानता है। कैसे? पहला, बुलाए हुए लोगों के रूप में, दूसरा, जो परमेश्वर के लिए प्रिय है और परमेश्वर ने उन्हें अपने काम के लिए अलग किया है, और तीसरा, वे जो परमेश्वर में सुरक्षित है, जिन्हें परमेश्वर सुरक्षित रखता है, उनकी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, पहले ही वचन में यहूदा एक बड़ी बात को कहता है, एक बड़ी बात को इस पत्री एक पहले ही वचन में हमें बता रहा है कि हम जो मसीह हैं, हमें परमेश्वर ने बुलाया है, और हमारी बुलाहट एक ऊंची बुलाहट है मेरे प्रियो, और जब वो हमें बुलाता है, वो हमें प्रिय जानता है, हमसे प्रेम रखता है, हमें अलग करता है एक खास उद्देश्य के लिए, कि हम उसकी ज्योति को, उसकी महिमा को संसार में प्रकट करें। और अंत में वो कहता है पहले ही वचन में कि हम जिनको वो बुलाता है, जिनको वो प्रिय जानता है और अलग करता है, उनको वो सुरक्षित भी रखता है, उनकी वो रक्षा भी करता है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ अब तक इस बात को आप समझ रहे हैं पहले वचन में यहूदा क्या कर रहा है। आइए दूसरे वचन की ओर बढ़े और दूसरे वचन में जो यहूदा है वो एक अभिवादन देता है, वो स्वागत करता है। पत्री में वो विश्वासियों को अभिवादन कर रहा है और विश्वासियों को जब लिखता है, मेरा ये मानना आज की शाम हम भी विश्वासी हैं तो हमारे लिए भी वो एक ग्रीटिंग को लिखता है, एक नमस्कार को लिखता है। और दूसरे वचन में वो कहता है, दया और शांति और प्रेम तुम में बहुतायत से प्राप्त होता रहे। इंग्लिश में लिखा है, मर्सी पीस एंड लव बी मल्टीप्लाइड टू यू। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बात को आप खास रीति से ध्यान दीजिए। वहां पर यह नहीं कहता है कि यहूदा यह नहीं कहता कि मर्सी पीस एंड लव बी एडेड टू यू। वो ये नहीं कहता कि दया और शांति और प्रेम तुम में जोड़ा जाए, लेकिन वो ये कहता है दया शांति और प्रेम तुम में बहुतायत से होता रहे। और अंग्रेजी में वो कह रहा है मर्सी पीस एंड लव बी मल्टीप्लाइड, यानी वो गुणा होने पाए। जब आप 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, लेकिन जब 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी दया, आपकी शांति, आपका प्रेम बहुतायत से बढ़ता चला जाए। जोड़ के साथ नहीं, 2 या 2-4 नहीं, लेकिन वो कह रहा है गुणा होता चला जाए। यानी 4, अगर आप 4 को 2 से गुणा करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, लेकिन 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। If you multiply 4 by 2, it is 8. And if you add 2 to 4, it is 6. So what Jude is saying, not mercy, peace and love be added to you. He is not saying be added to you. He says be multiplied to you. वो कहना ये चाह रहा है कि शांति, प्रेम और ये दया तुम में बहुतायत से प्राप्त होता रहे। यानी ये गुणा होता चला जाए, ये मल्टीप्लाई होता जाए, इसकी बजाय कि ये एडिशन हो, ऐड हो, जुड़े, ये दया, ये प्रेम, ये शांति तुम में बहुतायत से मल्टीप्लाई होती जाए, बहुतायत से बढ़ती चली जाए। किस लिए? ताकि तुम अपने विश्वास की रक्षा करो। तीसरे वचन में हम बढ़ेंगे और तीसरे वचन में वो एक बात को कहता है, वो पुकारता है विश्वासियों को उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए। तीसरे वचन में हम चलेंगे और इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। लेट मी रीड इट इन इंग्लिश फॉर अदर्स। Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for faith that was once for all delivered to the saints. मेरे प्रियो, तीसरे वचन में यहूदा विश्वासियों को एक पुकार देता है कि हम जो विश्वासी हैं हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी है। We need to defend our faith. Hallelujah. हमें इस बात को समझना है। वो कहता है, I was very diligent to write to you. मैं बड़े अत्यंत परिश्रम के साथ ये लिखता हूं। वो इस बात को कहता है और कहता है कि यहूदा की जो पहली इच्छा थी वो ये थी कि वो हमारे विश्वास के विषय में लिखे। लेकिन हुआ क्या? कुछ हुआ जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा कि उसको विश्वास या उद्धार के बजाय दूसरी बात के विषय में लिखना है। इसी चीज को वो कह रहा है तीसरे अध्याय में, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार में सौंपा गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहूदा की पहली इच्छा तो यह थी कि वो हमारे उद्धार के विषय में लिखे, लेकिन उसने इस बात को महत्वपूर्ण जाना कि वो एक दूसरी चिट्ठी लिखेगा। वी माइट से दैट दिस लेटर वॉज, हम ऐसा भी कह सकते हैं इस वचन को पढ़ने के बाद, हो सकता है यहूदा यह चिट्ठी नहीं लिखना चाहता था, लेकिन यहूदा ने किया क्या? द लेटर ऑफ जूड इज एसेंशियली अ सर्मन।
हमें समझना है कि ये जो पत्री है ये एक चिट्ठी नहीं है यहूदा की, ये एक प्रचार है। ये यहूदा एक प्रचार को लिख रहा है, और ये प्रचार किस लिए लिख रहा है? ताकि वो उन खतरनाक अभ्यासों को, सिद्धांतों को जो यीशु मसीह के सुसमाचार को नाश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध वो लिख सके। यानी उस समय कलीसिया में ऐसी शिक्षाएं थी, ऐसे सिद्धांत अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी शिक्षाएं अंदर आने की कोशिश कर रही थी जो यीशु मसीह के सुसमाचार को नुकसान पहुंचा सकती थी, खतरे में ला सकती थी। और इसलिए ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण थी यहूदा के लिए कि वो पहले इस बात के विषय में लिखे, इसकी बजाय वो हमारे उद्धार के विषय में लिखे। और हमें खुश होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहूदा लिखना तो उद्धार के विषय में चाहता था जो हम सबको मिला, लेकिन उसने पवित्र आत्मा की बुलाहट को सुना और क्या किया, उस संदर्भ को बदला और उसने कहा मैं लिखना तो उद्धार के विषय में चाहता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इससे ज़रूरी बातों के विषय में लिखूं। और वो क्या थी? क्योंकि उस समय कलीसिया में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता, कई सारे झूठे शिक्षक, कई सारी झूठी शिक्षाएं, कई सारी झूठे सिद्धांत और गलत सिद्धांतों का प्रचलन हो रहा था। तो वो इन झूठी शिक्षाओं और गलत सिद्धांतों के विरुद्ध विश्वासियों को मजबूत रखना चाहता था, ताकि यीशु मसीह के सुसमाचार को किसी भी रीति से हानि ना पहुंचने पाए। हालेलुया। अब जब हम इस वचन, तीसरे वचन को पढ़ते हैं, तब हम इस बात को देखते हैं। वो लिखता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा है, बिलवर्ड ऑल दो आई वॉज वेरी ईगर टू राइट टू यू अबाउट आर कॉमन सेल्वेशन। वो बात करता है हिंदी में उस कॉमन सेल्वेशन की, या उस उद्धार की जिसमें हम सब सहभागी हैं। जब वो ये कह रहा है कि उस उद्धार में जब हम सब सहभागी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, कॉमन सेल्वेशन का मतलब ये नहीं है कि सस्ता उद्धार। क्योंकि जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं कॉमन सेल्वेशन, या हिंदी में पढ़ते हैं वो उद्धार जिसके हम सब सहभागी हैं, तो कई बार हमारे मन में ये विचार आ सकता है, ये विचार, क्योंकि सब सहभागी है तो ये उद्धार बड़ा सस्ता होगा। नहीं, यहूदा ये नहीं कह रहा है कि ये कॉमन सेल्वेशन या ये उद्धार जिसमें हम सब सहभागी हैं, वो ये नहीं कह रहा कि ये सस्ता है, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि ये उद्धार सबका है, या ये सबका, सबके लिए है। वो ये नहीं कहना चाहता ये सबका है, लेकिन वो ये कह रहा है ये उद्धार सबके लिए है। वो ये कहना चाहता है हम सब एक साथ, एक समाज के रूप में, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक साथ एक समाज में बचाए गए हैं। वो ये कहना चाहता है, वो ये नहीं कहना चाहता कि ये उद्धार सस्ता है, या ये उद्धार जिसमें हम सब सहभागी हैं, सबके लिए, कोई भी इसका इसमें आ सकता है, वो ये नहीं कह रहा। लेकिन ये, वो ये कहना चाहता है कॉमन सेल्वेशन, या ये उद्धार जिसमें हम सब सहभागी हैं, इसके द्वारा ये, वो ये बताना चाहता है कि हम सब एक समाज में, एक साथ प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं। वो ये कहना चाहता है कि परमेश्वर के लिए अमीरों के पास एक रास्ता और गरीबों के पास दूसरा रास्ता नहीं है। परमेश्वर के उद्धार के लिए एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यहूदा ये कहना चाहता है कि ये उद्धार जिसमें हम सब सहभागी हैं, इसमें एक व्यक्ति कितना धनवान है ये मायने नहीं रखता, एक व्यक्ति कितना गरीब है ये मायने नहीं रखता, एक व्यक्ति कितना शिक्षित है ये मायने नहीं रखता, एक व्यक्ति कितना अशिक्षित है ये मायने नहीं रखता, एक व्यक्ति किस जाति या गोत्र से आता है ये मायने नहीं रखता, एक व्यक्ति किस भाषा को बोलता है ये मायने नहीं रखता। लेकिन मायने क्या रखता है कि ये उद्धार में परमेश्वर ने अलग अलग रास्तों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्तों को नहीं बनाया, लेकिन ये उद्धार हम सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उपलब्ध है, और इस उद्धार में हम सब एक समाज के रूप में प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास अलग रास्ता नहीं है अमीरों के लिए और गरीबों के लिए, जो अच्छा करते हैं उनके लिए एक रास्ता, और जो बुरा करते हैं उनके लिए एक रास्ता। लेकिन मेरे प्रियो, हमें समझना है हम सब परमेश्वर के पास एक ही रास्ते से आते हैं। अगर ये उद्धार
एक कॉमन सेल्वेशन नहीं होता, या ये उद्धार जिसमें हम सब सहभागी एक सा नहीं होता, तो परमेश्वर का उद्धार उद्धार ही नहीं होता। मेरे प्रिय, मेरी बात को समझिए, अगर ये उद्धार एक सा उद्धार नहीं होता, इसका मतलब है अगर परमेश्वर गरीबों के लिए अलग नियम बनाता, अमीरों के लिए अलग नियम बनाता, ऊंचे समाज के लोगों के लिए अलग नियम बनाता, तो ये उद्धार उद्धार ही नहीं है। लेकिन यहूदा कहना ये चाह रहा है इस वचन के द्वारा कि ये उद्धार हम सब के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया, उसे अपना प्रभु जाना, हम सब इस विश्वास में सहभागी हैं, एक साथ सहभागी हैं, क्योंकि एक समाज के रूप में उसने हमें बचाया है। और अब ये उद्धार में कोई भी अलग अलग रास्ते नहीं हैं इस उद्धार में आने के लिए, कि अमीरों के लिए अलग रास्ता हो, गरीबों के लिए अलग रास्ता हो, बुरे लोगों के लिए अलग रास्ता हो, अच्छे लोगों के लिए अलग रास्ता हो, रास्ता एक ही है और वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है। हो सकता है एक व्यक्तिगत मसीह के रूप में हम इस बात को कई बार नहीं समझते, लेकिन एक मसीह होने का मतलब है हम एक समाज, हम एक सहभागिता, हम एक संगति के भाग हैं। When we are a Christian, we are a part of a community, we are part of a fellowship, we are part of a bigger community in the church. एक मसीह के रूप में कई बार हम इस बात को नहीं समझते, कई बार हमें ऐसा लगता है मैं बचा ली क्या, बस इतना काफ़ी। लेकिन हमें समझना है कि एक मसीह के रूप में हम एक कम्युनिटी हैं, एक समाज हैं, और हमें एक साथ परमेश्वर ने बुलाया है। किस लिए? ताकि हम दूसरे मसीह भाइयों और बहनों के संग कंधे से कंधा मिला करके चलें, उनकी सहायता करें, वो मसीह जो कमज़ोर हैं उनके संग खड़े हो जाएं ताकि वे हमारे साहस को अपना साहस समझ लें, वे मसीह जो उम्र दराज हो चुके हैं, जो वृद्ध हैं और जिनके पास अनुभव है, वो जवान मसीहों के लिए उदाहरण बनने पाए। हालेलुया, हम एक ऐसी अदृश्य सेना के भाग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, और इसलिए एक मसीह होते हुए हमें ये समझना है कि हम एक संगति के, एक कलीसिया के, एक सहभागिता के, एक समाज के भाग हैं। से अकेले होने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। मेरे प्रियो, उसके बाद तीसरे वचन में वो कहता है, तीसरे ही वचन उसके दूसरे भाग में वो कहता है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। और अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, आई फाउंड इट नेसेसरी टू राइट अपीलिंग टू यू टू कंटेंड फॉर द फेथ दैट वॉज वंस फॉर ऑल डिलीवर्ड टू ऑल द सेंट्स। तीसरे अध्याय में ही दूसरे भाग में वो कहता है, वो विश्वासियों को, मेरा ये मानना है आज के दिन हम सबको यहूदा इस बात के लिए प्रेरित करता है, उत्साह देता है कि हमें उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है जो हमारे हाथों में सौंपा गया है। तीसरे अध्याय के दूसरे भाग में यहूदा विश्वासियों को उपदेश देता है, उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें उत्साहित करता है कि वो अपने विश्वास के लिए यत्न करते रहें। एंड दिस वॉज द ग्रेट नीड दैट जूड इंटरप्रेटेड हिज इंटेंडेड लेटर टू द एड्रेस। द एंशियंट ग्रीक वर्ड ट्रांसलेटेड कंटेंट कम्स फ्रॉम द एथलेटिक वर्ड फ्रॉम द रेसलिंग मैट। और जो शब्द यहां पर लिखा है, बी कंटेंट इन योर फेथ, यानी अपने विश्वास में यत्न करते रहो, ये एक यूनानी शब्द से आता है जिसका मतलब है कि जब एक धावक या एक एथलीट जब मैदान में होता है तो, या उस कुश्ती के मैदान में होता है, तब उस शब्द को वहां से लिया गया है जिसका मतलब है टू एग्नाइज, जिसका मतलब है यत्न करना, जिसका मतलब है परिश्रम करना। जिस प्रकार से कुश्ती के मैदान में
एक धावक, एक कुश्ती लड़ने वाला निरंतर उस मैच में, निरंतर उस कुश्ती में लड़ता है, यत्न करता है और अलग अलग दांव पेचों को लगाता है ताकि वो उस कुश्ती के मैच को, कुश्ती के उस मैच को जीतने पाए। और निरंतर एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, चार राउंड वो प्रयत्न करता है, अलग अलग यत्न को करता है। इस शब्द का मतलब है जब यहूदा कहता है बी कंटेंट इन योर फेथ, अपने विश्वास के लिए यत्न करते रहो, इसका मतलब यही है। यूनानी शब्द जिसको इसके लिए युद्ध, जिसका प्रयोग किया गया, इसका मतलब है यत्न करते रहना, निरंतर यत्न करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना अपने विश्वास के लिए, निरंतर अपने विश्वास के लिए लड़ते रहना, उसके लिए खड़े रहना, इसका मतलब है मेरे प्रियो। हालेलुया, हमें अपने विश्वास के लिए खड़े रहना है, यत्न करते रहना है, उसके लिए परिश्रम करते रहना है। क्यों? क्योंकि ये विश्वास बड़ा ही मूल्यवान चीज़ है, बड़ी ही बहुमूल्य वस्तु है जो परमेश्वर से हमें मिली है। अगर हम एक आर्ट गैलरी में चलेंगे, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कई सारी पिक्चर्स हों, कई सारे फोटोज़ लगे हों, आर्ट गैलरी हो, और वहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे कि कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप एक निष्कर्ष निकालेंगे कि देर इस, कि हो सकता है इस गैलरी में, इस आर्ट की गैलरी में कोई भी बात, कोई भी पिक्चर, कोई भी ऐसा पिक्चर है ही नहीं जो वैल्यूबल है, जो मूल्यवान है ना। देखिए, याद रखिए, जो चीज़ें मूल्यवान हैं वो हमेशा बचाई जाती है, हमेशा उनकी रक्षा करी जाती है। यहू, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यहूदा यहाँ पर ये कहता है अपने विश्वास के लिए यत्न करो, वो ये कहना चाहता है अपने विश्वास की के लिए परिश्रम करो, उसके लिए निरंतर यत्न करो, उसके लिए निरंतर लड़ते रहो, उसके लिए निरंतर खड़े रहो। जिस प्रकार एक कुश्ती वाला, एक कुश्ती का धावक, एक एथलीट, एक कुश्ती लड़ने वाला निरंतर अपने उस मैदान में लड़ता रहता है कि वो अपने सामने के व्यक्ति को अपने ऊपर हावी ना होने दे, जीतने ना दे, उसी प्रकार से मुझे और आपको अपने विश्वास के लिए निरंतर परिश्रम करना है, लड़ते रहना है, खड़े रहना है, ताकि हम अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हालेलुया, हमें, और इसी के लिए मैंने आपको ये उदाहरण भी दिया कि अगर आप किसी आर्ट गैलरी में, जहां पर आर्ट एग्जीबिशन हो, अलग अलग अच्छी फोटोज लगाई गई हो, अगर कोई गार्ड ना हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड ना हो, कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, कोई सुरक्षा ना हो, तो आपको क्या लगेगा? अरे भाई, इन पिक्चर्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इनका कोई मूल्य है ही नहीं। जिस चीज़ की वैल्यू है, जिस बात का मूल्य है, उस बात की हमें रक्षा करनी है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहूदा कहता है अपने विश्वास के लिए यत्न करो, उसकी रक्षा करो, उसके लिए लड़ते रहो। क्यों? क्योंकि ये विश्वास बड़ी मूल्यवान वस्तु है। हालेलुया, इसलिए हमें इसके लिए लड़ते रहना है मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपने विश्वास के लिए यत्न करता रहना है। हालेलुया, अगर हम उस शब्द को देखेंगे, तीसरे ही अध्याय में वो कहता है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। एग्जॉर्टिंग यू टू कंटेंट अर्नेस्टली फॉर फेथ। इफ वी एम्फसाइज द वर्ड यू, वी सी दैट दिस वॉज समथिंग दैट जूज वॉन्टेड ईच इंडिविजुअल क्रिश्चियन टू डू। देर आर मेनी वेज दैट एवरी क्रिश्चियन कैन कंटेंट अर्नेस्टली फॉर फेथ। अगर आप उस शब्द को तीसरे अध्याय में देखेंगे जहां वो ये कहता है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, तो वो कहना, वो हर एक व्यक्तिगत विश्वासी से यहूदा यह कह रहा है, सिर्फ किसी कलीसिया से नहीं, किसी लोगों के झुंड या समूह से नहीं, लेकिन हर एक व्यक्तिगत विश्वासी से यहूदा ये कहता है कि अपने विश्वास के लिए यत्न करो, अपने विश्वास के लिए प्रयत्न करो। और उस प्रयत्न करने के लिए कई सारी तरीके हो सकते हैं, और हम अपने विश्वास के लिए कैसे यत्न कर सकते हैं, कई सारे तरीके, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है एक तरीका, आप अपने विश्वास के लिए गवाह ठहरते हैं लोगों के सामने। कई लोग क्या करते हैं, हम नया वचन बांटते हैं, नया नियम बांटते हैं, ट्रैक्स बांटते हैं, सुसमाचार के ट्रैक्स बांटते हैं, और ये दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उन तक पहुँचाने के लिए। और हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, हम पासवानों के संग खड़े हो जाते हैं कि पासवानों की सेवा में उनकी सहायता करें। और इसी की तरह अलग अलग तरीकों से हम अपने विश्वास के लिए परिश्रम कर सकते हैं, अपने विश्वास के लिए
यत्न कर सकते हैं, हालेलुया, एक सकारात्मक रूप में। लेकिन याद रखिए, एक हाथ पर हम अपने विश्वास के लिए सकारात्मक रूप में काम कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, यत्न कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हाथ पर क्या कर सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी हम परिश्रम कर सकते हैं विश्वास के लिए, नकारात्मक रूप में भी यत्न कर सकते हैं विश्वास के लिए। कैसे ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं का प्रचलन करेंगे, उन झूठी शिक्षाओं को सुनेंगे, उनको बांटेंगे, उनके लिए खड़े हो जाएंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं को सुनेंगे, उनके लिए खड़े हो जाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम दोनों तरीके से विश्वास के लिए यत्न कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, या तो सकारात्मक रूप में या तो नकारात्मक रूप में। और यहूदा यहाँ पर हमें प्रेरित कर रहा है विश्वासी होते हुए प्रभु यीशु मसीह के, कि हम अपने विश्वास के लिए सकारात्मक रूप में यत्न करें, और सिर्फ यत्न ही, निरंतर यत्न करें, निरंतर परिश्रम करें, निरंतर लड़ते रहें, जिस प्रकार एक कुश्ती के मैदान में कुश्ती लड़ने वाला निरंतर लड़ता रहता है, परिश्रम करता रहता है, वो निरंतर उसका पसीना बहता रहता है, लेकिन वो हार नहीं मानता क्योंकि वो सामने वाले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता। उसी प्रकार हम सकारात्मक रूप में अपने विश्वास के लिए यत्न करते रहें, परिश्रम करते रहें, लड़ते रहें, ताकि हम परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास परिस्थितियों के ऊपर हावी हो जाए। हालेलुया। कई बार क्या होता है, विश्वासी होते हुए हमारी परिस्थितियां ये परिभाषित करती हैं कि हम कौन हैं। Many times as believers of God, our circumstances define who we are. लेकिन होना क्या चाहिए, हमारे विश्वास हमारी परिस्थितियों को हावी होना चाहिए, ना कि हमारी परिस्थितियां हमारे विश्वास के ऊपर हावी होनी चाहिए। और इसी बात को यहूदा यहां पर कह रहा है कि अपने विश्वास के लिए निरंतर यत्न करो, परिश्रम करो, ताकि परिस्थितियां तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, झूठी शिक्षाएं, झूठे शिक्षक हावी ना हो, लेकिन तुम उनके ऊपर हावी हो, तुम उनके ऊपर राज्य करो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज की शाम इस तीसरे वचन के संग मैं अपनी शिक्षा को विराम दूंगा, लेकिन मैं आप सबको प्रेरित करूंगा कि यहूदा की जो पत्री है वो बहुत बड़ी पत्री नहीं है, उसमें सिर्फ 25 वचन हैं, और इसलिए आगे के दिन, अब अगली शाम जब हम अपने अगले बुधवार को जो बाइबल अध्ययन में मिलेंगे, तो मैंने 3 वचन तक अभी अध्ययन को किया है, उसके बाद हम 4th वचन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि 4th वचन में यहूदा क्या बात कर रहा है। हम देखेंगे कि 4th वचन में कैसे यहूदा ने क्या, किस बात को वो कहना चाहता है, और किस संदर्भ में वो बता रहा है कि कैसे वहाँ पर 4th वचन में एक चीज़ और खास मौजूद है, वहाँ से जो शुरू होगी वो ये है, ये जो झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक जो कलीसिया में आ घुसे थे उस समय, और मेरा मानना है आज के समय में भी वो झूठे गिनतियाँ बढ़ती जा रही हैं, झूठे शिक्षकों की, झूठी भविष्यवक्ताओं की, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी तीसरे वचन के संग मैं इस बाइबल अध्ययन को विराम दूंगा, यहां रोकूंगा, क्योंकि 4th वचन से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को हम देखेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबको प्रेरित करूंगा आज की शाम कि आज की शाम सोने से पहले यहूदा की पत्री को पूरे 25 वचनों को आप पढ़िए, और जो पहले 3 वचनों पर हमने अपने अध्ययन को किया है, इस अध्ययन को अगर आप लिख रहे थे तो लिखा होगा, तो आप इसे देखिए, पढ़िए और कोशिश करिए इन बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए। और अगले बुधवार को जब हम अपने बाइबल अध्ययन के लिए मिलेंगे, तब हम 4th वचन से बात करेंगे और देखेंगे 4th वचन में क्या हो रहा है, कि कैसे झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता कलीसिया में मौजूद थे उस समय में, और मेरा मानना है आज के समय में भी, और कैसे यहूदा इनके विषय में लिखता है, उन बातों को सीखने के लिए, उन बातों पर अध्ययन करने के लिए हम अगले बुधवार को अपने बाइबल अध्ययन के लिए हम जुड़ेंगे। और इसलिए आज की शाम मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीषित करता हूँ, और मेरी आशा इस पूरे अध्ययन के साथ, इस पूरे अध्ययन को देने के पीछे हम सबका मोटिवेशन, हम सबका प्रेरणा यही है कि किसी ना किसी रीति से शिक्षाएं आपके जीवन को प्रेरित करें, और इन शिक्षाओं को आप अपने जीवनों में लागू करें, और सच में एक सच्चे मसीही, एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे चेले के रूप में आप
यीशु मसीह के लिए जीवन को जीने पाएं। इसलिए आज की शाम में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ, और हम दोबारा अगले बुधवार को मिलेंगे, और तब तक के लिए आप इस वचन को, इस वचन के भाग को, इस पूरी पत्री को ज़रूर पढ़कर आइए, ताकि अगले हफ्ते जब हम चौथे वचन से अपने अध्ययन में आगे बढ़े, तब हम सब जाने कि इस पत्री में हो क्या रहा है। आप सबको जय मसीह की।